मृत आत्मा आंग में आना, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एक लेडी मेरे पास में, उसके रिलेटिव्स ने लाया और उसको आंग में आने की बीमारी थी। बोले कुछ भी बहकी बहकी बातें करती है, सोती नहीं है। एक 2 महीने का बच्चा है, उसको उसने टब में ऐसा पानी था उसमें डाल दिया, ख्याल गया लोगों का इसलिए उसको बचा सके तो बच्चा मरता था। सोती नहीं है, कुछ कुछ बहकी बहकी बातें करना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं पकाना, और इसलिए उसको लाया। बोले और क्या होता है? बोले उनको आंग में भी आता है, आंग में आता है और वो कुछ कुछ फिर बोलती रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या है। तो आंग में आता है तो, और एकदम वो बोलते बोलते उसके आंग में आ गया, मेरे सामने आ गया आंग में। तो एकदम ऐसे बड़े बड़े आंखें किया उसने, बोले मैं उषा हूँ, उषा। तो बोले मैं पूछा उसको उषा कौन है, तो बोले उषा वो मर गई है और वो मरी हुई है और अभी मैं ये बॉडी में आ गई है। इसका नाम था चित्रा। तो वो बोले कि मैं चित्रा के बॉडी में आई हूँ और मैं तो बस बोलूँगी वैसे होऊंगा, मेरा मुझे शांति नहीं मिल रही है। मतलब पूछा भी है कौन तू? बोले मैं उषा की आत्मा हूँ और उषा की आत्मा भी ये बॉडी में आई हूँ। मतलब उषा कब मर गई? बोले वो 2 साल पहले मर गई। अच्छा, 2 साल पहले मर गई तो तुम्हारा ये बॉडी में आना क्यों हुआ? तो बोले ये बॉडी में आना क्यों हुआ, जो हॉस्पिटल में वो उषा मर गई थी, वो हॉस्पिटल में ये लेडी भर्ती थी उस समय और कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। बोले मतलब ठीक है, फिर अभी क्या आपको चाहिए क्या? नहीं, बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आते जाते रहूंगी और मैं इसको जीने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो उसने मेरे उस समय मदद नहीं किया, मैं मर गई थी तो हॉस्पिटल में दोनों भी साथ में थे। मैंने पूछा सच्ची है क्या? बोले हाँ, वो 2 साल पहले वो जो हॉस्पिटल में थी जहाँ वो उषा मर गई, कोई बीमारी उसको हो गई थी, तो और बाजू के 2 बेड छोड़ के ये एडमिट थी और उसको भी कोई प्रॉब्लम था। तो फिर अभी क्या करना है? तो बोले नहीं, मैं तो जाऊँगी नहीं। बोला फिर? बोले मैं तो उसको बच्चे को मैंने फेंका था, इसको नहीं जीने दूंगी, उसके बच्चे को नहीं जीने दूंगी, ऐसा वो बोल रही है। तो ये पोजेशन सिंड्रोम है और हिस्टेरिकल साइकोसिस भी हो सकता है, कि जिसमें वो हिस्टेरिकल मतलब पोजेशन आता है और वो पोजेशन में वो बाकी भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पोजेशन मतलब वो उतने पूर्ता होता है, उसको बाकी भी जब वो निकल जाती है तभी भी ये साइकोटिक बिहेवियर करती रहती है, मतलब बड़बड़ करना, सोना नहीं, मतलब वो भी है और कभी कभी ये भी हो जाता है। ऐसा सब कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स उसके हैं कि जिसमें बीच बीच में आंग में आना, दिन भर में 3-4 बार आंग में आना, ऐसे बड़े आंखें करना, वो उषा जैसी बातें करते वैसी बातें करना, और उसको कुछ करने के लिए बोलना और बोलना मैं उसको बोल रही हूँ कर, ये चित्रा को, और वो मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना चाहिए, उसने वो करती है। चित्रा उस समय रहती नहीं है, चित्रा बाद में नहीं करेंगे। अच्छा, फिर कुछ देर के बाद में वो उषा निकल गई तो फिर चित्रा बोलेंगी नहीं मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, तो फिर उस समय वो कुछ तो बहकी बातें करेंगी या फिर काम बैठेंगे, काम नहीं करेंगे ऐसा। तो ये सब एक तो अलग अलग डायग्नोसिस में है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि आपको उसमें कोई ज़्यादा समझेगा नहीं। मेरे को इतना ही कहना है कि भाई ये जो है ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम भी होता है कि भाई नहीं कोई मृत आत्मा आ गई तो अभी मेरे आंग में घुस जाएंगी तो अभी मुझे मेरे को वैसा करने का है, उसने कहीं सुना होगा। थिंग इज कि वो साइकोसिस है एक तो एक प्रकार का, और साइकोसिस के तरह ठीक करना है हमको। अभी उनके कुछ बिलीव्स है कि ऐसी कोई व्यक्ति मर जाती तो उसका आत्मा जो उसकी शांति मिलती नहीं, फिर वो घूमते रहता है, फिर किसी के बदन में प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर बाद में वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। तो मतलब इसको एडमिट करेंगे हम और एंटीसाइकोटिक देंगे, उसके बाद में बातचीत करेंगे। और ये ऐसा क्यों कर रही है चित्रा को क्या मिल रहा है ये सब करने में? तो फिर जब हमने साइकोथेरेपी किया, उसका बातचीत भी किया उसके साथ में, तो ये मालूम पड़ा कि चित्रा को भी चाहिए सिंपथी। क्या हो गया कि जैसी डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद में उसको काम पे लगा दिया, चलो घर का काम करो, और उसको एक दिमाग में था कि नहीं अभी बच्चा हुआ है तो उन्हें अभी आराम करना चाहिए, है ना, 3-4 महीने आराम करेंगे बाद में काम करना शुरू करो। घर में बहुत प्रेशर था, सास का प्रेशर था काम करने के लिए कि नहीं करो काम, करो काम, घर का काम करना चाहिए, और फिर वो उससे बचने के लिए बीमार हो गए। अब बीमार हो गए, अब कोई बोलता नहीं काम करो करके, प्रॉब्लम ही नहीं अभी। फिर उसको वो भी बात बताया, फिर एकदम जो भाई की भाई की बात है, ठीक है अभी दवा देते हैं, कुछ साइकोटिक सिम्टम्स है उसके लिए भी दवाई दिया, बातचीत किया, हिप्नोथेरेपी किया, तो उससे उसको धीरे 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 फायदा होने लगा। ये क्या होता है कभी कभी पोस्टमार्टम स्टेज में, पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में भी काफ़ी लोगों को ऐसे बीमारियाँ कुछ ना कुछ हो जाती है जिसमें मिक्स साइकोसिस रहता है, सब तरह के सिम्टम रहते हैं पोस्टमार्टम।
अभी इसको ये पोजेशन हो गया, पोजेशन सिंड्रोम जैसा हो गया, पोजेशन के सिम्टम आ गए। तो इसमें क्या है कि रिलेटिव्स जो है वो बाहर का करते रहते हैं कि उनको लगता है कि मृत आत्मा है, वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर कोई बाहर कोई व्यक्ति के पास ले जाओ जो निकलता है शरीर में से, फिर वहाँ खर्चा पानी करो, वो आदमी उनको क्या करेंगे पता नहीं, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, कहीं कहीं जगह पे वहाँ जब ले जाते हैं तो उनको ऐसे जो लोग उनको बहुत ठोकते हैं मारते हैं ताकि वो आत्मा निकल जाएंगी, फिर उसमें इनको इतनी तकलीफ होती है बदन को कि बदन तो इनका है आत्मा भले कोई हो कि इसको इंजरी होती है, जख्म हो जाती है, फिर वो ठीक करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ ना करते हुए, ये मृत आत्मा और कुछ रहता नहीं है, ये सब लोगों के बिलीव्स है, इसमें कोई भरोसा करना नहीं है। ये लोगों को पावरफुल कैसे बनाना कि जो भी सामना करना पड़ रहा है उसका सामना करो रादर देन रनिंग अवे, मतलब ये मृत आत्मा अंदर आना, ये भाग जाना है, परिस्थिति का सामना न करते हुए वहां से भागना है, तो भागो मत, सामना करो परिस्थिति का। ये मृत आत्मा कुछ रहता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और उसका इलाज करेंगे आप तो आप ठीक भी हो जाएंगे, और यदि खुद को पावरफुल बनाएंगे तो बीमारी आएंगी नहीं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपकी भी पार्टनरशिप हमें चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमें कर सकते हैं, हमारे यहाँ पैनल है साइकियाट्रिस्ट का, ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।